मेरा नाम विवेक सागर है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव इटारसी से बिलोंग करता हूं। मेरी एज 18 साल है और मैं इंडियन हॉकी टीम के लिए मिडफील्डर खेलता हूं। यह एशियन गेम्स मेरा लर्निंग पॉइंट था। पहले जब मैं इस अचीवमेंट पर नहीं पहुंचा उससे पहले मुझे कम सपोर्ट था, बट अब मैं जब भी जाता हूँ घर पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। मैं यूथ ओलंपिक खेलने जा रहा हूँ जिसमें जूनियर हॉकी टीम का मैं कप्तान हूँ। आई वॉज ऑलवेज देयर टू मोटिवेट एंड नेवर थॉट कि ये कभी इतना हाई लेवल पर जाएगा। इवन घर में किसी ने नहीं सोचा था। विवेक की सबसे अच्छी बात उसका नेचर, उसने जो भी आज अचीव किया बट वो जिससे भी बातें करता है ही इज़ डाउन टू अर्थ। आज वो इस पोजिशन पर आने के बाद भी उसमें ईगो नहीं है और वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। आज भी रिस्पेक्ट उतनी ही करता जितनी पहले करता था। जब विवेक की शोल्डर की हड्डियाँ क्रैक हो गई थी, डॉक्टर ने कहा था कि रिकवर बहुत देरी से कर पाएगा, ये जब वो खेलेगा तब शोल्डर पे इफेक्ट आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हड्डी शोल्डर की क्रैक हुई थी और फिर भी वो लेफ्ट से हॉकी की प्रैक्टिस खेलने की प्रैक्टिस किया करता था। वो तब भैया बोलते थे कि उसका जुनून देखो एक हॉकी के प्रति, कि इस स्थिति में भी वो अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ पा रहा है। तो बस धीरे धीरे मैं देखा कि इसका जो खेल के प्रति रुचि है ये बदलने वाला नहीं, और मन में ये होता था कि मैं वहाँ तक इसको पहुँचा नहीं पाऊँगा। उसको बहुत हमने अपना जो भी किया, फिर भी वो इतना जिद्दी था कि अपने जिद के पीछे माना नहीं, वो भगते रहा, हॉकी के पीछे भगते रहा। और आज अब ऐसा लग रहा है जो इस ऊंचाई तक पहुँच गया, तो मेरा ये है अधिक से अधिक ऊँचाइयों तक ये पहुँचे, आसमान छुए, आगे बढ़े, यही हमारी उम्मीद है कि और अच्छे खेले और आगे बढ़ते जाए। भगवान के दुआ से उसको आगे बढ़ते जाएगा, अपन सभी खुशी रहेंगे, पूरा इंडिया भारत के नाम रोशन करें। मिनिस्टर मैम काफ़ी मोटिवेट करती हैं। मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, विवेक ये आपका लर्निंग पॉइंट है और स्टार्टिंग है, अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है। हॉकी मेरी लाइफ है, मेरा इंस्पिरेशन है और जो मेरे बिग ड्रीम है मैं इन्हीं से पूरा करूँगा।